आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आभार रैली निकाली और कहा हमने पिछले 5 सालों में जितने विकास कार्य किए हैं अब इससे ज्यादा विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अपनी जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत बताया। मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा गांधीनगर पहुंचे। वह उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 साल में विकास कार्य किए हैं, अब इससे ज़्यादा विकास कार्य किए जाने हैं। आभार रैली गांधीनगर थाना चौराहे से प्रारंभ होकर गांधीनगर के विभिन्न इलाकों में गई, जहां जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामेश्वर शर्मा का स्वागत किया। यहाँ शर्मा ने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये संत हिरदाराम जी के आशीर्वाद की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये विकास की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद करने, ज्ञापित करने आए हैं। जनता जनार्दन ने वोट दिया है, मुझे जिताया है, तो निश्चित रूप से उनका धन्यवाद और आभार बनता है। साथ में उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग विपक्ष में भले हैं पर तुम्हारे सुख सुविधाओं के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे, सदैव आपके सुख दुख में आपके साथ बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। आज वार्ड नंबर 1 में हम सबके लोकप्रिय, हम सबके जननायक हुजूर विधानसभा के हुजूर माननीय रामेश्वर शर्मा जी वार्ड नंबर 1 गांधीनगर में जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उनकी जो भी समस्या होगी वो जल्द से जल्द हल करेंगे और जिस जनता ने हम पे भरोसा करके हमको जो विजय श्री का तिलक लगाया है, हम उस जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने आए हैं, उनका धन्यवाद करने आए हैं। इसी आशा को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हुजूर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था और मुझे हमारे कार्यकर्ताओं पर पूर्ण भरोसा था। अपने जीत पर रामेश्वर शर्मा ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।